बस यही सब कुछ था। हाँ बस यही था। मेरी भी चीजें कुछ थी तुम्हारे पास। हाँ तो बहुत कुछ, पर लाना भूल गई, खासकर उन दिनों की चीजें जब तुम अपनी हर सांस के साथ मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे। तुम्हें याद है अर्शद, जब तुम ऑफिस में बैठे हुए पेंसिल से कागज के ऊपर जाविये खींचते थे और ये शो करवाते थे कि तुम मुझसे खफा हो, लेकिन छुप छुप के मुझे ही देखते थे। और तुम्हारे ऑफिस से चले जाने के बाद मैंने वो बेन से निकाल लिया था, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ, तुम्हें याद है कि मैंने वो चीजें संभाल के रखी हैं, बस लाना भूल गई हूँ। अच्छा क्या नहीं लेके आई? बस कम इसी बहाने में तुमसे मिलने तो हूँ। वो सब चीजें मैं खुद भिजवा दूंगी, बस तुम मत आना। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें भूलती हूँ, तुम सामने आते हो तो याद आते हो। मैं ले जाता हूँ। अच्छा चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़। छोड़ी तो दिया ईश्वर, सोया? अरे अशर कैसे हो यार? अच्छा तो ये है हमारी भाभी। वेल भाभी मैं आपसे मिलना चाह रहा था। एक्चुअली मुझे आपसे इन दोनों की शिकायत करनी थी। मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई, नाराज हैं एक दूसरे से। जब भी एक दूसरे को मिलते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं। Well, अशर से तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारी तरफ आए, पर आई थिंक कि ये नहीं है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं, आप आए ना प्लीज किसी दिन हमारे यहां डिनर पे। एक काम करेंगे ना कि वहीं पे इन दोनों का मसला सॉल्व करेंगे, देखेंगे ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच। क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता कि एक छत के नीचे रहते हुए दोनों में दोस्ती ना। What do you think? I think आप लोग कहीं जा रहे थे। It's okay. फिर मिलते हैं। Bye. See you. कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम मेरे पास हो तो मुझे क्या फिक्र है? ये रे, सूप पी। अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे सूप नहीं अच्छा लगता। लेकिन पीना तो पड़ेगा ना, मैं अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ, पी ले। ठीक है। एक बात पूछनी थी तुमसे। अशर को कॉल तुमने की थी? रईस आपा बता रही थी कि अच्छा ही हुआ कि तुमने कॉल कर दी, वरना
और इस तरह बेहोश पड़ी रहती है और किसी को खबर तक ना होती। हाँ, मैंने अशर को कॉल की थी। शायद उनको पता नहीं, लेकिन आप बेफिक्र हैं, शायद ने जोया अशर को साथ देखा है। जोया और अशर एक साथ आए थे यहाँ? जी, नीचे। जोया यहाँ आई थी? क्यों, नहीं आ सकती? मेरा मतलब वो नहीं था। फरी को भी मैंने बताया तो वो भी ऐसी हैरान हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि अशर और जोया की डिवोर्स हो गई है और आप ये बात मुझसे इसलिए छुपा रही थी ना कि कहीं अशर में मैं दोबारा दिलचस्पी ना लेने लगूं। मुझे ये डर था। मैं शादीशुदा हूं मामा, और मैंने शायान को तस्लीम कर लिया है दिल से, और सकीना वाला किस्सा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मैं अशर में दिलचस्पी क्यों लूंगी, ऐसा नहीं। गर्म करके ला दी, ठंडा हो गया। पप्पो, अम्मी अभी तो सो रही हैं। वो ऊपर का सामान पैक हो गया था ना, तो किचन से कुछ चीजें चाहिए थी। हाँ ले लो जो चाहिए। नहीं मैम, बाद में आ जाऊंगी। बाप, तुम्हें क्या अभी लगता है मेरा कसूर है? कसूरवार समझती हो ना मुझे अभी? आप प्लीज मुझे एक मौका दो, तुमसे मिलके बात करना चाहता हूँ, मुझे अपनी सफाई तो पेश करने दो। अरे बाप, मैं रात को छत पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। यार दिला तेरी समझ ना इश्क दुहाइयां पाना जिस लाया तेनू रोग शक दा मुड़ ओसे वल जाना मैंने भी ये कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था मेरे मान को राख बना डाला चाहत को खाक उड़ा डाला मैं धूप जली तू आग बना बस दर्द में डूबा राग बना मेरा कांच का सपना यूं टूटा ये गम है मुझे मेरा हो ना सका। हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही बस एक मिनट।